पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे, तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट था, तो उन्होंने उसने मुझे उनके दो तीन क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया, तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया। उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था, मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए, तो बोली ठीक है मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाया, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, फिर बहुत कहानी है, ऐसा हुआ कि शेयर लिए 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65, वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु धनवटे का एक बजट आया, उस समय शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके के मालूम नहीं, बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे, ही वॉज द मैन हु फर्स्ट एबॉलिश्ड एस्टेट ड्यूटी इन इंडिया, ब्रॉट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्स टू 60%, तो मुझे लग रहा था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी हमारे पास, ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरी जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। मैंने बोला रेखा अपने एसी आ गया, तो 5000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, भगवान ने साथ दिया। और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया, पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी के बेच के आते हैं, कभी किसकी आय नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचू उधर लू, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं। क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल्थ देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूँ मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी, तो खुश हूँ, करता वो जो मैं चाहता हूँ। The wealth allows me to do what I want and I live life by my terms. And whatever success I have had, I think patience, hard work, taking defeat with a smile. मुझे बहुत बार नुकसान हुए, बहुत बार setback लगा है, मैंने बहुत बार share बेचे पैसा बढ़ने नुकसान ही बढ़ने के लिए, लेकिन एक बार हो गया, see never be afraid to make a mistake. Only make one you can afford so that you may live to make another. Because if you are afraid to make a mistake, you cannot take any decision. तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z, मैं 150 करोड़ खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की, मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की, अपने डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको।